अस्सलाम वालेकुम। ये सेमीफाइनल का आसान दौर ए चालू है, शुरू है। सब में पहला सवाल है सर आइज़ैक न्यूटन के लिए। रॉबर्ट हुक ने खलिये को क्या नाम दिया? सेल। जी सही है आपका जवाब। अब दूसरा सवाल रॉबर्ट हुक ग्रुप के लिए। नबाताती खलिये में कौन सा जुज़ू पाया नहीं जाता? लाइसोजोम। जी सही है, बिल्कुल। अब तीसरा सवाल मार्कोनी ग्रुप के लिए। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा अजला कौन सा है? प्राण। जी सही है। अब मार्कोनी ग्रुप के लिए किमियाई तब्दीली से क्या मुराद है? कुछ तब्दीलियों के दौरान उसके असर से की खुसूसियात कायम नहीं रही। जी बिल्कुल सही है जवाब। अब रॉबर्ट हुक ग्रुप के लिए पोटेशियम की अलामत क्या है? के। बिल्कुल सही जवाब है। अब सर आइज़ैक न्यूटन ग्रुप के लिए। दुनिया में सबसे पहले टूथपेस्ट कब तैयार किया गया? नहीं गलत है, नहीं गलत है। जी कहिए। 1873 में। जी सही है। तो अब सर ऐसे ग्रुप के लिए मुलायम साबुन में कौन सा नमक पाया जाता है? पोटेशियम नमक। जी सही है। तो अब रॉबर्ट हुक ग्रुप के लिए दर्ज हरारत और दबाव के जरिए ग्रेफाइट कौन सी मादनियात में तब्दील होती है? हीरा। जी सही है। तो अब मार्कोनी ग्रुप के लिए एथेन का सालमी जाप्ता क्या है? गलत। जीरो बढ़ो। C2H6। जी सही है। अब मार्कोनी ग्रुप के लिए भारी पानी किसे कहते हैं? इस पानी में नमक जैसी मादनियात की मात्रा ज्यादा होती है, उसे भारी पानी कहते हैं। जी बिल्कुल सही है। अब रॉबर्ट हुक ग्रुप के लिए सोने की अलामत क्या है? AU। जी बिल्कुल सही है आपका। सर आइज़ैक ग्रुप के लिए बोरॉन की अलामत क्या है? B। जी बिल्कुल सही है आपका जवाब। सर आइज़ैक ग्रुप के लिए दुनिया में किस मुल्क में टूथपेस्ट तैयार किया गया? नोया। जी करेक्ट। अब रॉबर्ट हुक ग्रुप के लिए साबुन की किस्में कितनी है? 2। जी सही है। कानकुनी की तालीम हासिल करने के लिए भारत में पहला स्कूल कब शुरू किया गया? 1926 में।
आपका जवाब यहाँ पे बिल्कुल सही। थैंक यू।